नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। भगवंत मान सरकार ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू के खिलाफ विजिलेंस जांच करवाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन की ओर से पंजाब सरकार को शिकायतें भेजी गई थी, जिसके बाद सरकार की ओर से विजिलेंस को डॉक्टर संधू के खिलाफ जांच करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि इसी को लेकर डॉक्टर जसपाल सिंह संधू का कहना है कि सरकार जिससे मर्जी जांच करवा ले, क्योंकि कोई भी करप्शन किसी भी विभाग में नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, तमाम आरोप जो उन पर लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। आपको इससे पहले बता दें कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की टीचर एसोसिएशन की ओर से वाइस चांसलर की ओर से भरी गई पोस्टों पर सवाल उठाए गए थे। इतना ही नहीं, वाइस चांसलर ने नियमों को ताक पर रखकर यूनिवर्सिटी के सीनियर पोस्टों पर अपने चहेतों को बिठा दिया, ये आरोप भी लगाए गए थे। और यह भी कहा गया था कि सीनियर अध्यापकों को नजरअंदाज किया गया और पोस्टों पर ऐसे अधिकारियों को बिठा दिया गया जिन्होंने PhD भी नहीं की थी। हालांकि टीचर एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर जसपाल सिंह संधू की योग्यता पर भी सवाल खड़े कर दिए गए थे और यह कहना था कि डॉक्टर जसपाल सिंह संधू को वाइस चांसलर पद पर नहीं बिठाना चाहिए था, क्योंकि वह PhD नहीं है। कई सीनियर अध्यापकों को नजरअंदाज किया गया था। आपको यह बता दें कि डॉक्टर जसपाल सिंह संधू ने वर्ष 2017 में वाइस चांसलर का पद संभाला था। उसके बाद उन्हें 2020 में सरकार की ओर से 3 साल के लिए फिर से वाइस चांसलर बना दिया गया था। इसी को लेकर हमने डॉक्टर जसपाल सिंह संधू से बात की है। उनका कहना है कि जिस मर्जी एजेंसी से चाहे सरकार जांच करवा ले, क्योंकि किसी भी काम में कोई खराबी नहीं, कोई करप्शन या भ्रष्टाचार या फिर गलत नियुक्ति नहीं की गई है। जो भी नियुक्तियां की गई हैं वह तथ्यों के आधार पर की गई हैं और योग्यता के आधार पर की गई हैं। उन्होंने शिकायतकर्ताओं पर भी आरोप लगा दिए हैं। दविंदर सिंह, वह कहते हैं कि उनको प्रमोशन के लिए 5 पेपर चाहिए, जबकि उनके पास केवल 3 ही पेपर हैं। फिलहाल वह साइकोलॉजी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं और वह प्रोफेसर बनना चाहते हैं, लेकिन जब तक वह मापदंडों को पूरा नहीं करेंगे तो फिर उन्हें प्रोफेसर कैसे बनाया जा सकता है। इसी तरह उन्होंने लखविंदर सिंह, जो कि प्रधान है एसोसिएशन के, उन पर भी आरोप लगाए हैं कि वह खुद यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं। 2 बार उन्होंने अप्लाई भी किया था, लेकिन वह भी मापदंडों पर खड़े नहीं उतरते हैं, इसलिए उन्हें रजिस्ट्रार नहीं लगाया जा सकता। योग्यता के आधार पर ही किसी को रजिस्ट्रार लगाया जा सकता है। अगला आरोप उन्होंने लगाया है नरेश पाल सिंह सैनी पर, जो कि फिजिक्स में विभाग में है। उनका कहना है कि इनके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है, वह इस इंक्वायरी को बंद करवाना चाहते हैं। जो जानकारियां मांगी गई थी वह सरकार को पहले ही उपलब्ध करवा दी गई हैं। उनको यह भी कहना है कि इन लोगों की ओर से एक PIL यानी कि जनहित याचिका भी दायर की गई थी। तमाम जो आरोप लगाए गए हैं वे बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। उनका यह भी कहना है कि UGC की ओर से ही सरबजोत सिंह बहल को प्रोफेसर प्रमोट किया गया था, क्योंकि इन लोगों की ओर से सरबजोत सिंह बहल की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब रही बात, उन्होंने PhD नहीं की, अब हाईएस्ट पोस्ट, क्योंकि वह डॉक्टर हैं और डॉक्टरी में हाईएस्ट पोस्ट MD होती है या फिर MS होती है, PhD होती ही नहीं। उन्होंने कोई MSc नहीं की है जो बाद में PhD करे। तमाम यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर जो डॉक्टर हैं उन्होंने MD ही कर रखी है या फिर MSc कर रखी है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोबड़े और नागेश्वर राव की जजमेंट का भी हवाला दिया है और कहा है कि ये लोग बार बार उनके खिलाफ शिकायतें करते हैं, लेकिन इन शिकायतों में कोई सच्चाई नहीं है। सरकार जब चाहे जांच करवा ले, हम जांच के लिए तैयार हैं। पंजाब में कांग्रेस सरकार के रहते कई पूर्व मंत्रियों पर विजिलेंस की तलवार लटक रही है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी के साथ आर पार की लड़ाई छेड़ दी गई है। चंडीगढ़ में विजिलेंस ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान कांग्रेस के सांसद, कई पूर्व मंत्री और विधायक भी हाजिर थे। खास बात यह है कि इस दौरान भारत भूषण आशु भी घेराव में शामिल थे। इन पर आरोप है कि उन्होंने मंत्री रहते हुए
विभाग में 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करवाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का कहना है कि रोज विजिलेंस की धमकी दी जा रही है, पिछले 5 महीने से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, रोजाना विजिलेंस की हमें धमकी मिलती है, हर रोज आम आदमी पार्टी के नेता विजिलेंस का नाम लेकर कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं, घर में सोए कांग्रेसियों को पकड़ा जा रहा है, वह कोई चोर नहीं, सम्मन जारी करो और बुलाओ, खुद डायरी तैयार करवाकर कहा जा रहा है कि हमने पकड़ लिया। सही तरीका यह है कि इसकी जांच कराओ, आपके अगर कोई नेता पकड़े जाते हैं तो फिर आप खुद को कट्टर ईमानदार कैसे कह सकते हैं। जेड़े मीडिया कर्मी ना लड़िए हत्याने लाता हजे कीती नहीं, ए करदे क्यों नहीं, ए जानबूझ के कागज तैयार करके रखदे आ, बंदे नू रात नू 3 बजे कहंदे पखौणा लोकां नू मीडिया दे राही 3 बजे पकड़ा, ते नाम जद जितनी कौड़ी है सानू सारा पता है, अब कीती जदों दे राणा गुरजीत जी कहंदे सानू 35 ना बढ़ाओ, असी सारे पड़े पर करिए की, वक्त वक्त दी गल है, कदे दादे दियां कदे पोते दियां, समा बड़ा पलवाड़ है, ये पॉलिटिक्स माड़ी पॉलिटिक्स की परंपरा बादल हरा ने ते अमरिंदर सिंह हरा ने पाई ते निकलिया की, वो 2G स्कैम की गल करते सी लोग, 2 लाख करोड़ का घपला ते पाए जद मरी किता लोकां, मानजोग सुप्रीम कोर्ट ने, असी उन्हां चिकर गुनेगार नहीं हां जिन्ना चिकर साडे खिलाफ सबूत पेश नहीं हो जाते, ते मानजोग अदालत साडे खिलाफ जिहड़े चार्जेस ऑफ फ्रेम नहीं कर दिती, पहल नहीं कर दिती, असीं गुनहगार नहीं आ। इसी बीच भारत भूषण आशू ने कहा कि विजिलेंस और सरकार को मैसेज पहुंच गया होगा, उनका कहना है कि विजिलेंस ब्यूरो से विनती है कि जब जरूरत हो मैसेज भेज दे, कोई कांग्रेसी भागा नहीं। आशू ने दावा किया कि 5 महीने की जांच के बावजूद कुछ निकला नहीं, कांग्रेस जुझारुओं की पार्टी है, जो 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया गया वह कांग्रेस के वर्करों की कुर्बानी से मिला, आजादी के बाद कांग्रेस ने ही इसे संभाल कर रखा, हम तैयार बैठे हैं, हम डरने वाले नहीं, जब भी जरूरत हो हमें बुला लो, हम तैयार बैठे हैं। मेरे वालों एक बेनती भी है, एक बेनती विजिलेंस वाले वास्ते, एक बेनती छोटे सारे भाईचारे वास्ते, भाई जो जरूरत होवे जिवें साडे प्रधान साहब ने कहा सानू सुनेहा भेज दिओ, असी हाजिर बैठे हाँ, कोई साडा सने मेरे कांग्रेसी तोड़िया ते दूसरा छोटे बड़े बेनती है, एवं अननेसेसरी करैक्टर असैसीनेशन बिल्कुल अपने टेलीविजन के ना चलाओ, जब तक फैक्ट वेरीफाई ना करो, ये भी एक तरह का कतल है जिहड़ा तुसी कर देने हो अपने टीवियां ते बिना मतलब की बहस चला के, 5-5 महीने की इनकुआरियां तो बाद कुछ नहीं निकलता, तो 5 महीने तुसी रोज सानू मारते हो, रोज अरेस्ट करवाने हो, रोज जेलां करवाने हो, तो हुण मैनू पुछदे इत्थे आंदियां नू तुहानू विजिलेंस ने सद्या सी भाई, जिवें प्रधान साहब ने कहा थोड़े ते अद्धे टैलीविजन ने कहा तां सूत्रां ने कहा नामजद साधु सिंह धर्मसोत को गिरफ्तार किया जा चुका है, वह फिलहाल जेल में बंद है, संगत सिंह गिलजियां जमानत पर बाहर हैं, और आशु के खिलाफ भी अभी सीधे तौर पर केस तो दर्ज नहीं हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट घोटाले में उन्हें विजिलेंस की ओर से नामजद किया जा चुका है, ठेकेदारों की ओर से ही ये आरोप लगाए गए थे कि टेंडर घोटाला हुआ है, अनाज जो खरीदा जाता है मंडियों से उन्हें पहुंचाना होता है गोदामों तक, मंडियों से खरीदे गए अनाज को गोदामों तक पहुंचाने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया गया वह ट्रक नहीं थे बल्कि दोपहिया वाहनों पर ही 50-50 किलो की बोरी और 1-1 क्विंटल अनाज को गोदामों तक पहुंचा दिया गया, ऐसे पुख्ता सबूत जो है विजिलेंस के हाथ लगे हैं, इसमें इस पर अंदेशा है कि भारत भूषण आशु को विजिलेंस की ओर से कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको यह भी बता दें कि उनके जो पीए थे मनु मल्होत्रा वह भी विजिलेंस की ओर से नामजद किए जा चुके हैं, और विजिलेंस की ओर से उनके यहां छापामारी भी की गई थी, लेकिन मनु मल्होत्रा फिलहाल विजिलेंस की गिरफ्त में नहीं आए हैं।
इस मामले में तेलू राम नामक एक ठेकेदार को पकड़ा गया था, उसने कई अहम राज उगले हैं। फूड एंड सप्लाई विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राकेश सिंगला को भी सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन पर आरोप है कि उनके पास ड्यूल सिटीजन है। 2007 से ही उनके पास कनाडा की सिटीजन है, शिप है, और उन्होंने ये तथ्य सरकार से छुपाए थे। राकेश सिंगला किसी भी सरकार में, कोई भी सरकार हो, वह मंत्री के हमेशा ही चहेते रहे हैं। इसके अलावा पूर्व जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को वीवीआईपी ट्रीटमेंट देने के आरोप में घिरे हुए हैं। पूर्व मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा का नाम भी जमीन घोटाले में सामने आ रहा है। खुद कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल इस बात को बयान कर चुके हैं कि जब पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी, 10 मार्च को नतीजे आ गए थे, लेकिन 11 मार्च को ही तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा एक कॉलोनी की फाइल मंगवाते हैं और उस पर दस्तखत कर देते हैं, इसलिए उनका नाम भी विजिलेंस के रडार पर है। यहां तक कि जो सिंचाई घोटाला हुआ था और कृषि मशीन के लिए जो मशीनरी खरीद ही नहीं की गई थी, उसमें भी करोड़ों रुपए के घपले की बात सामने आई। यह विभाग खुद पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास था। ऐसा कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी विजिलेंस की ओर से कभी भी नामजद किया जा सकता है। इसलिए कांग्रेसी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, कहीं ये डर तो नहीं, एक साथ इकट्ठा होकर आज उन्होंने विजिलेंस कार्यालय के बाहर धावा बोल दिया। लेकिन अगर यही धावा कांग्रेसी मुख्यमंत्री भगवंत मान या फिर सरकार के मंत्रियों के यहां बोलते तो फिर ठीक भी लगता था, क्योंकि विजिलेंस तो वही कर रही है जो दिशा निर्देश सरकार की ओर से विजिलेंस को दिए जा रहे हैं, या फिर जो सबूत विजिलेंस के पास हैं उन्हीं तथ्यों के आधार पर विजिलेंस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। अगर यूं कहा जाए कि कांग्रेसियों ने एक तरह से विजिलेंस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की तो कुछ गलत नहीं होगा। अब देखना यह है कि विजिलेंस कांग्रेसियों के दबाव में आती है, सरकार भी इन कांग्रेसियों के दबाव में आती है और विजिलेंस को रोकती है कि आरोपियों पर कार्रवाई ना करे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। एक तरफ कांग्रेस की ओर से विजिलेंस ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किए जा रहे थे, वहीं विधायक प्रताप सिंह बाजवा की कार चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में घुसने नहीं दी गई। इससे नाराज होकर प्रताप सिंह बाजवा वापस लौट गए। आपको यह भी बता दें, प्रताप सिंह बाजवा विधानसभा में विपक्षी दल के नेता हैं। हालांकि इस पर कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सफाई दी है और यह भी कहा है कि वह किसके इशारे पर यह सब हुआ, वह इसकी जांच भी करेंगे। ਸਭ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। 100% ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ ਤੂੰ। चलो भाई जी यार, तुसी इस गल दा पतंगड़ ना बताओ, गेट खराब है, फलां है, फलानी, ये साडा इंटरनली मुद्दा है, साडा मुद्दा है, पर असी पुलिस कर्मचारी नु असी क्या भी तेरा कोई हक नहीं बनता किसी दा गेट रोक। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दावा किया कि भाजपा अन्य राज्यों की तरह दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चलाना चाहती थी, मगर यहां ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई के छापे भ्रष्टाचार की जांच करने के लिए नहीं, बल्कि सरकार गिराने के लिए डलवाए गए थे। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा, जिस व्यक्ति को पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था सौंप देनी चाहिए, जिस व्यक्ति ने 5 साल के अंदर करिश्मा करके दिखा दिया, जो काम मौजूदा पार्टियां 70 साल में ना कर पाई, और जिस व्यक्ति को वो काम कर दिखाया, सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया, बच्चों का भविष्य बना दिया, उस पर रेड करवाते हो, आपको शर्म नहीं आती। केजरीवाल ने यह भी कहा कि ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हें बुलाना चाहिए और यह कहना चाहिए, मनीष जी बताइए कि कैसे शिक्षा व्यवस्था ठीक की जाए, ये सब करने के बजाय रेड करवाए जा रहे हैं, इससे सभी समाज के लोग नाराज हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर आरोप लगाया था और कहा था, मेरे पास भाजपा का संदेश आया है कि आम आदमी पार्टी को छोड़ दो, जब छोड़ो तो उस पार्टी को तोड़ भी दो,
हमारी पार्टी में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे और मुख्यमंत्री भी बना देंगे। अब इन बयानों में कितनी सच्चाई है ये या तो भाजपा जानती है या फिर खुद मिनी सिसोदिया जानते हैं। गुजरात पहुंचे सिसोदिया ने यह भी कहा, मुख्यमंत्री बनने के लिए मैं सियासत में नहीं आया हूं, मैं यहां स्कूलों में छात्रों को अच्छी शिक्षा मुहैया करवाने के लिए आया हूं। मेरा भाजपा को जवाब है, मैं महाराणा राणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। इसके बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भाजपा मनीष सिसोदिया को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही थी। वहीं मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की ओर से दिए गए बयान के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने आम आदमी पार्टी को बेवड़ी और भ्रष्टाचारी सरकार बताया है। बेवड़ी है ये सरकार, करती है कट्टर भ्रष्टाचार। जो घोटाला, दारू घोटाला, शराब घोटाला हुआ है उस पर केजरीवाल सरकार कब बोलेगी, अरविंद केजरीवाल जी कब बोलेंगे, जनता पूछती है। ये शायद देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा किसी व्यक्ति के पास शिक्षा विभाग भी है तो शराब विभाग भी है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल है जी। स्वराज में जो उन्होंने कहा, ये स्वराज नहीं शराब राज है। पंजाब में ड्रग सप्लायर से एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज एफआईआर में नाम को शामिल ना करने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में डीएसपी लखबीर सिंह से पूछताछ कर रही विजिलेंस ब्यूरो की टीम सोमवार को अमृतसर भी पहुंची। सीएम रेस्ट हाउस में विजिलेंस के एसएसपी गुरमीत सिंह ने डीआईजी इंदरबीर सिंह से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। उनका कहना है कि रिपोर्ट आने के अंतिम दौर के बाद इसे शीघ्र ही आला अधिकारियों को भेज दिया जाएगा। आपको यह बता दें कि लखबीर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने तरन तारण में डीएसपी रहते हुए एक तस्कर को छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए रिश्वत ली थी। उन्हें कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी मामले में नाम आया था डीआईजी इंदरबीर सिंह का। अब डीआईजी इंदरबीर सिंह से भी पूछताछ की गई है। उनका यह कहना है कि वह अपनी ओर से पूरा सहयोग कर रहे हैं, उन्हें बेवजह ही इस मामले में घसीटा जा रहा है, जबकि उन्होंने ना तो किसी से रिश्वत ली है और ना ही कोई अपराध किया है। जी रिकवर हुई सी उसकी बैकवर्ड लिंकेज दे विच जिहड़े अगे एक पिछौरा सिंह नाम का बंदा नॉमीनेट होया सीगा। पिछौरा सिंह तो अगे जो फरदर जी इन्वेस्टिगेशन जी चली कुछ बैकवर्डिंग लिंकेज तो कुछ जोड़ा टेक्निकल इनपुट जी सू मिली इन्हें रस्ते डेटा रिट्रीव होया उस तो जोड़ा सू जी तफ्तीश सी असी होर अगे वधाई वो साड़िया जड़िया फिर इस केस के करीब 6 जड़े बंदे हूँ तक जे नॉमीनेट हो चुके हैं, सुरजीत पिछौरा सिंह, निशान सिंह, हीरा सिंह एंड DSP लखबीर सिंह। एक हैड कांस्टेबल रशपाल सिंह है, वो मुंशी जोड़ा CAE उत्थे लगा हुआ पट्टी वो भी केस के जोड़ा एक नॉमीनेट हो चुका वा। हूँ इस केस के जी उन्होंने टैक्नीकल इनपुट आई ही जो भी इन्वेस्टिगेशन सानू उन्होंने रिवील किया वो जे फैक्ट से वो कुछ सीनियर अधिकारियों के नाते जोड़ा वो जाता उस संबंध में असी फिर अज इतने एक दिन पहले भी मीटिंग की अज असी जॉइंटली फिर सरदार इंदरबीर सिंह जोड़े IPS एक्स DIG फिरोजपुर रेंज उन्होंने बुलाया सीगा। उन्होंने को जो भी इस मुकदमे रिलेटड क्वेरीज है वो असी जो उन्होंने को पुछ रहे हैं तो हूँ साड़ी जी तफ्तीश चल रही है जल्दी से इनू जो तफ्तीश में जरा इन असी लॉजिकल एंड तक पहुँचा देंगे। नहीं वेखो ये अक्यूज का जो लखबीर सिंह का वो इंटेरोगेशन ही है ना कि वह जो भी कह रहा वै भी इन्हों का रोल है पर एक अक्यूज की जी इंटेरोगेशन है जिनी देर अंटिल अनलैस कोई करैबोरेशन नहीं हो जाती उन्नी देर तक आप चीज़ नहीं मानते। साड़ी जी तफ्तीश है बिल्कुल प्रोग्रेसिव साइड पर चल रही है। असी जल्द अमृतसर से हावड़ा के लिए रवाना हुई ट्रेन में एक BSF के जवान की ओर से हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने शराब पी रखी थी। पैसेंजर्स के साथ बदतमीजी की और छेड़छाड़ के बाद रेलवे पुलिस फोर्स और TTE ने दखल दिया लेकिन वह माना नहीं। अंत में पैसेंजर्स ने अपनी सीट ही बदलवा ली।
तंग पैसेंजर्स ने वीडियो वायरल करके रेलवे विभाग के से मदद भी मांगी। मामला रविवार शाम का बताया जा रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार को सिख लड़की बीना कौर को किडनैप करके उसका जबरी निकाह कराने के मामले में श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने कड़ी निंदा की है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने भारत सरकार से डेलीगेशन भेजकर परिवार से मिलने और पाकिस्तान सरकार से परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में रहने वाले गुरबचन सिंह की बेटी दीना को स्कूल जाते समय किडनैप कर लिया गया था। इसके बाद उसका धर्म बदलवाया और बाद में उसका जबरन निकाह करवा दिया। दीना कौर के किडनैप होने का पता चलने पर जब गुरबचन सिंह और इलाके के लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस ने लड़की के धर्म परिवर्तन की बात कहते हुए उन्हें चुप रहने को कहा और पुलिस की ओर से FIR तक दर्ज नहीं की गई। इसी दौरान बीना कुमारी खुद सामने आई है। उसने कहा है कि उसने अपनी मर्जी से ही शादी की है, उसे किसी ने किडनैप नहीं किया। उसका यह भी कहना है कि उसने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है और वह इस्लाम की पढ़ाई भी कर चुकी। मेरी क्वालिफिकेशन जो है वो मास्टर है और मैं एक हाई स्कूल में टीचिंग करती हूँ सिटी पोस्ट पे। आज मैंने अपनी मर्जी से शादी की है एक मुसलमान लड़के के साथ। इसलिए की है क्योंकि मैंने इस्लामियात को स्टडी किया था, इस्लामी तालीमात से मुतासर हुई, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। लेकिन अब मेरे खानदान वाले चाहते हैं कि मैं दारुल अमान जाऊँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहती। जहाँ पे ये जाएंगे मैं इनके साथ जाऊँगी। मैं पाकिस्तान की सरकार तो मांग करदा कि घट गिणती मनोरिटीज जिहड़ियां उत्थे रह रही जे इस तरह लगातार उन्होंने उत्ते तशद्दुद जारी रहा तो जे फिरकू सोच जारी रही कि सिख बच्चियों नूं लिजा के गुमराह करके उन्होंने नाल निकाह करने ते सिख कौम देर सवेर हर एक चीज़ का हिसाब भी मंगती है। अमृतसर के पौश इलाके रंजीत एवेन्यू में कोठी नंबर 2221 के मालिक और पंजाब पुलिस में सब इंस्पेक्टर के तौर पर तैनात दिलबाग सिंह की गाड़ी में बम लगाने वाले चौथे आरोपी को भी पुलिस की ओर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दिलबाग सिंह को मारने की साजिश रची गई थी और ये साजिश विदेश में बैठे आतंकवादी रिंदा के कहने पर रची गई थी। पुलिस को इस मामले में और भी कई लोगों की तलाश है। आरोपी को पुलिस की ओर से आज कोर्ट में पेश कर उसका रिमांड भी हासिल कर लिया गया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा गुजरात में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, हजारों करोड़ रुपए की ड्रग गुजरात में पहुंच रही है। गांधी पटेल की पावन भूमि में यह ड्रग्स आखिर कौन फैला रहा है? बार बार ड्रग्स बरामद हो रही हैं, इसके बावजूद पोर्ट के मालिक से अभी तक पूछताछ क्यों नहीं की गई है? किसान एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर ही रोका जाने लगा था, किसानों ने बैरिगेटिंग गिरा दी। इसके बाद 19 किसानों को हिरासत में भी ले लिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठ गए। पुलिस किसानों के साथ बातचीत कर रही थी। पुलिस ने कहा कि जंतर मंतर पर अभी भी 5,000 से ज्यादा किसान जमा है। अधिकतर किसानों ने दिल्ली जाने के लिए पंजाब की ओर से आने वाली ट्रेनों का सहारा लिया और पुलिस के सामने नारे लगाते हुए दिल्ली में दाखिल हो गए। यहां से किसान सीधे बंगला साहब गुरुद्वारा में पहुंचे। किसानों का कहना है कि वह दिल्ली बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगाने नहीं आए हैं, अभी केवल एक दिन के लिए ही वह प्रदर्शन करेंगे ताकि केंद्र सरकार को चेताया जा सके। बेरोजगारी को लेकर जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन में भाग लेने जा रहे दिल्ली जा रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और कुछ कार्यकर्ताओं को गाजीपुर बॉर्डर पर ही दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। उन्हें दिल्ली के मधु विहार थाने में ले जाया गया और बाद में उन्हें पुलिस ने वापस गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर छोड़ दिया। टिकैत ने कहा क्या दिल्ली में किसानों का प्रवेश बैन है? इस पर खासा बवाल भी मचा। पंजाब के सनौर से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा ने चेतावनी दी और कहा
कि जैसा उनके साथ हुआ वह किसी के साथ भी हो सकता है। उनकी अश्लील वीडियो वायरल की जा रही है, उन्होंने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। आपको यह बता दें कि पठान माजरा पर उनकी पत्नी की ओर से ही गंभीर आरोप लगाए गए थे। इसके बाद वे अपने फेसबुक पेज पर लाइव हुए और उन्होंने कहा कि पार्टी प्रधान, एमएलए और नेता समेत दूसरे लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, क्या मेरा कोई कैरियर नहीं। पठान माजरा ने यह भी कहा कि पत्नी ने मेरे साथ जो किया उसके साथ सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने वालों को मैं कोर्ट में लेकर जाऊंगा। पर मैं आपके भरावों को बेनती करना चाहना, जो सियासत में संबंध रखते कुछ एम एल ए कुछ साढ़े प्रधान साहब आ किसी भी पार्टी का संबंध रखते आ कोई भी किसी तरह का लीडर है चाहे कोई भी है ना, जो मेरे ना मेरा कान किया मेरी वाइफ ने, मैं वो संबंध च एक कोर्ट च उन्होंने जो लैके जाना चाहना जेडे जे सोशल मीडिया की गलत वरतों करते हैं। अमृतसर में एलिवेटेड रोड पर एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। एक के बाद एक तीन गाड़ियां आपस में टकरा गई। बताया जा रहा है कि आगे चल रही गाड़ी ने जोरदार ब्रेक मारी और पीछे से गाड़ियां उसके साथ टकराती गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि क्या किसी चालक ने शराब तो नहीं पी रखी थी, अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया। लोग किस तरह रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लुधियाना में एक ताई ने अपने 7 वर्षीय भतीजे की हत्या कर दी। लुधियाना का सहजप्रीत जिसकी की उम्र 7 साल है, वह कुछ दिन से गायब था। उसके ताया स्वरण सिंह ने ही उसे नहर में धक्का देकर गिराया और बाद में डुबोकर उसे मार दिया। बच्चे की बॉडी को गिल नहर से बरामद कर लिया गया है। इस कत्ल की वजह बताई जा रही है कि परिवार में आपसी फूट थी। 7 साल का सहजप्रीत 2 दिन पहले अपने ताया स्वरण सिंह के साथ जालंधर बाईपास पर फ्लूट लेने के लिए गया, मगर वापस नहीं लौटा। पुलिस शुरू से ही इस मामले को संदिग्ध मान रही थी, इसलिए बच्चे के ताया स्वरण सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी। शुरू में स्वरण सिंह इस बात पर अड़ा रहा कि उसे नहीं पता कि सहजप्रीत सिंह कहां है, लेकिन वह अधिक पुलिस के आगे अधिक समय तक ना टिक सका और आखिरकार टूट गया और बाद में अपना गुनाह कबूल कर लिया। स्वर्ण सिंह की निशानदेही पर ही रविवार को गिल नहर से सहजप्रीत की बॉडी को बरामद कर लिया गया था। पुलिस के मुताबिक सहजप्रीत की बॉडी नहर में पेड़ों के बीच फंसी हुई थी। उसके ताया स्वरण सिंह की कई जगह की फुटेज सामने आई थी। स्वरण सिंह सहजप्रीत को लेकर सतलुज दरिया तक गया। एक गुरुद्वारे के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों एक साथ नजर आए। आखिरकार 7 वर्ष के बच्चे ने स्वरण सिंह का क्या बिगाड़ा था। यदि उसकी रंजिश उसके परिवार से थी, उसके माता पिता के साथ थी, तो इस रंजिश का मतलब यह नहीं कि वह बच्चे को मार दे। इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।